यूसीसी और ज्ञानवापी पर जारी घमासान के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार पर बड़ा हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुजारी सम्राट की तरह काम कर रहे हैं, कोई 6 दिसंबर की बात करना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवैसी ने यह पलटवार किया है, सुनिए। मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे।